या कभी आपने एटीएम यूज करते हुए, ऑनलाइन बैंकिंग ऐप यूज करते हुए, जैज कैश यूज करते हुए ये सोचा कि ये पिन जो है ये 4 डिजिट्स का ही क्यों होता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। एटीएम में जब हम 4 डिजिट पासवर्ड सिलेक्ट करते हैं तो 4 डिजिट से क्यों होते हैं? तो बेटा नंबर्स होते हैं टोटल 10, 0 से लेकर 9 तक। अब बैंक वाले भी, जैज कैश वाले भी यही कहते हैं कि इन 10 नंबर्स में से आप 4 नंबर सिलेक्ट कर लें, यानी 10C4। 4 नंबर सिलेक्ट करें तो कितने कम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं? एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल जी 4 है, और एन माइनस आर 10 माइनस 4 हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करते हैं तो टोटल मेरे पास 210 कम्बिनेशन है। अब जब आप एक पासवर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं कोई भी, फॉर एग्जाम्पल वो है जी 1297, अब ये एक कम्बिनेशन है इन 210 में से। अब इस कम्बिनेशन की मैं परसेंटेज निकालूं टोटल में से 0.5%, तो यानी आपके पासवर्ड का 0.5% चांस है कि वो कोई और रैंडमली लगाए और वो मिल जाए, कोइंसाइड कर जाए और आपका अकाउंट हैक हो जाए। लेकिन कंपनीज जो हैं वो 2 से 3 पासवर्ड्स के बाद अकाउंट को ब्लॉक कर देती हैं, टेम्परेरली डिसेबल कर देती हैं, सिर्फ इस वजह से कि आपका अकाउंट सिक्योर रहे। तो ये जो 4 डिजिट पासवर्ड है उसकी एप्लीकेशन यहाँ से ली गई है, कम्बिनेशन वाला जो आप परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ते हैं वहीं। तो आई होप मैंने आपको ये अच्छे तरीके से और आसानी से समझा दी है। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।